सरस्वती विद्या मंदिर महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग के 5 दिवसीय स्काउट गाइड कैंप के समापन समारोह का आयोजन कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त स्काउट गाइड डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्राचार्य डॉक्टर रीना त्रिपाठी, संस्थान प्रमुख शिवजी सिंह, बीएड विभाग की डॉक्टर रेणु सहगल, डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, डॉक्टर सीएम वर्मा, डॉक्टर करक मिश्रा एवं विभाग की छात्राध्यापिकाएं मौजूद रहें। इस अवसर पर स्काउट गाइड के सदस्यों द्वारा स्काउट टेंट लगाया गया, जिसका अवलोकन मुख्य अतिथि सहित अन्य शिक्षकों ने किया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा और संस्कार समाज के 2 अभिन्न अंग हैं, जो संपूर्ण मानव जाति और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देते हैं तथा हम सभी को विषम परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अशोक कुमार पांडे व मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा, टेंट आप लगाई हैं, इसका मकसद क्या है कि लगाई है टेंट, बताइए। मैं एक कमरा है, एक कमरे का मतलब ये होता है कि पूरा परिवार एक साथ जुट के रहता है, एक बंधन में बंध कर रहता है, और बड़े आलीशान घर में कई कमरे होते हैं जिससे परिवार अलग हो जाता है और बच्चे भी अलग हो जाते हैं, वो परिवार के सही मायनों को समझ नहीं पाते। आजकल के बच्चे बड़े घर में रहने से टीवी, इंटरनेट, मोबाइल इन सबको ज्यादा यूज करते हैं, पर अगर बच्चे एक घर में रहेंगे, पूरा परिवार एक घर में रहेगा, तो फिर बच्चे आपस में बात करेंगे, टीवी से, इंटरनेट से, मोबाइल से दूर रहेंगे और अच्छी बातें सीखेंगे। थैंक यू। जोर से बोलो, हंस के बोला जाता है स्टडी के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम और सर ये बर्तन स्टैंड है, यहाँ बर्तन रखने सर यह सुविधा है, झूला के दिखाओ झूला। सर यह हैंडपम्प है, यहाँ पर्यावरण के लिए कुछ आप लोग पौधरोपण भी किए हैं कहीं? पर्यावरण बस्ती कैसी, बुलंदी कैसी, बस्ती।
दिवसीय स्काउट गाइड का विशेष प्रशिक्षण शिविर था और इसमें बच्चों को विशेष परिस्थितियों में हम कैसे रह सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाया गया है। और खासकर यहाँ पे बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं और ये छोटे बच्चों को कैसे खेल खेल में शिक्षित कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे इनको सिखाई जा रही है। इसमें इनको योगा भी सिखाया जा रहा है, इसमें ये कैसे हम खेल खेल में बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, वो सारी प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है बच्चों को। परिवार कैसे, क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि जब हम पढ़ लिख करके जब हम एक अध्यापक बन जाएंगे और जब हम अध्यापक बनोगे बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं या वो बच्चे जो विषम परिस्थितियों में कैसे रह सकते हैं उनको वो सारी बातें सिखाने के लिए हम इस चीज़ को सीख रहे हैं। कितने दिन तक चला है ये? 5 दिन तक चला है और ये आज इसका समापन है। ये बीएड प्रशिक्षुओं को इंट्रोडक्टरी कोर्स है जिसमें स्काउटिंग और गाइडिंग की बेसिक जानकारी बच्चों को दी जाती है। इससे जो है बीएड प्रशिक्षक जब अपने विद्यालय में जाते हैं, कभी शिक्षक बनते हैं, तो बच्चों में आत्मसम्मान की भावना कैसे विकसित किया जाए, परिस्थितियाँ विपरीत हों अनुकूल न हों फिर भी धैर्य कैसे बनाए रखा जाए, खेल खेल में कैसे जो है बच्चों को हम सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई जाती हैं। और ख़ास करके स्काउटिंग की जो प्रतिज्ञा आई है कि इसमें जो 3 कर्तव्यों के बारे में विशेष जोर दिया जाता है कि अपने प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य जो है दूसरों के प्रति मेरा क्या है, और तीसरा जो है जो परमपिता परमेश्वर है जिसको हम लोग भगवान के नाम से जानते हैं, चाहे अलग अलग आद्य देव सबके हैं, तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उन सब की जानकारी जो है इसमें दी जाती है। सर टेंट भी लगाए हैं बच्चे, टेंट के माध्यम से क्या प्रदर्शित करते हैं? हाँ, टेंट लगाने से आते हैं कि अगर कभी हम ऐसे दुरुस्त जगह पर फंस जाएं तो हम अपना निर्माण घर का क्या कर सकते हैं और घर के लिए बेसिक क्या क्या चीज़ चाहिए उनके बारे में भी बच्चे जान सकें, और वहाँ पर जो उपलब्ध संसाधन हैं जंगलों में भी, तो वहाँ से हम अपने चूल्हे की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, बिना बर्तन के हम खाना कैसे बना सकते हैं, वहाँ पर और क्या विशेष चीज़ व्यवस्था हमको करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, उस सब चीज़ों की जो है बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है।